नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी कारगर और सच के करीब हैं। आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां बताई हैं, अगर इंसान उनका सही ढंग से पालन कर ले तो कल्याण ही होता है। दोस्तों, आज के युग में हर इंसान की चाहत ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और सुख भोगने की होती है। किसी को अकूत संपत्ति की चाहत होती है तो किसी को मान सम्मान की, वहीं कोई भाग दौड़ की जिंदगी से दूर मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि इंसान को केवल कुछ चीजों का ही मोह रखना चाहिए। इन चीजों के अलावा दुनिया की हर एक बहुमूल्य चीज भी उसके सामने फेल है। आइए दोस्तों, जानते हैं आचार्य चाणक्य ने वो कौन सी चीजें बताई हैं जो कि सबसे बेशकीमती होती हैं। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि इस दुनिया में भोजन और पानी का दान ही महादान होता है। इसके अलावा कोई और चीज इस दुनिया में इतनी बेशकीमती नहीं है। जो व्यक्ति भूखे प्यासे को भोजन और पानी पिलाता है, वही पुण्यात्मा होता है। इसीलिए दान दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजों में से एक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हिंदू पंचांग की 11वीं एकादशी तिथि को सबसे पवित्र तिथि बताया है। एकादशी तिथि पर पूजा आराधना और उपवास रखने के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि इस दुनिया में गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। माता गायत्री को वेद माता कहा जाता है। सभी चारों वेदों की उत्पत्ति गायत्री से ही हुई। दोस्तों, इस धरती पर माँ ही सबसे बड़ी है। माँ से बड़ा कोई देवता नहीं, ना ही कोई तीर्थ और ना ही कोई गुरु है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे और किसी भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, चाणक्य नीति में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति के मान सम्मान और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कुछ काम नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति इन कामों को करते हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं, कई लोगों के स्वभाव में किसी व्यक्ति को दान देने या पैसे उधार बांटने की आदत होती है। ऐसे लोग कम आय होने पर भी दूसरों को दान या पैसे देते रहते हैं। इस स्वभाव के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता से ज्यादा किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो हमेशा कंजूस बने रहते हैं, उन्हें कभी भी समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। चाणक्य नीति में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। दोस्तों, जिन माता पिता की संस्कारी संतान नहीं होती, उन्हें अपनी संतान की वजह से समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। ऐसे में माता पिता को अपनी संतान को अच्छे संस्कार और शिक्षा देनी चाहिए, ताकि समाज में मान सम्मान मिलता रहे। दोस्तों, जो व्यक्ति गलत लोगों की संगति में रहते हैं, उन्हें कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी बुरे आचरण वाले और अधर्मी लोगों की संगति में बैठना नहीं चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता हो, उसे कभी भी समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने फायदे के लिए दूसरों का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, वो कहते हैं, स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है, तथा इन चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। दोस्तों, जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तपाने और पीटने से इन चार उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। चाणक्य जी कहते हैं, भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निःशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिसका जिस विषय वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वो अधिकारी भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा, तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। उसी तरह जैसे मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन बोल नहीं पाता, और स्पष्ट वक्ता कभी भी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता।
दोस्तों आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के पास गई स्त्री, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है, श्रेष्ठ की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से चलता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। दोस्तों वेद और पांडित्य व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं, उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ है, वो व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं, दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। दोस्तों काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मर जाता है, वो अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है और वो अकेला ही नरक में जाता है या परम पद पाता है। दोस्तों ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में यह सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है, वो तत्व ज्ञानी हो जाता है। दोस्तों विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। दोस्तों बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं, अपनी आंखों के समान दूसरा कोई प्रकाश नहीं और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं। चाणक्य जी कहते हैं, निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। दोस्तों सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित हैं। लक्ष्मी अनित्य है और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है, इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। दोस्तों पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। आखिरी बात आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये पांच पिता गिने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।